अच्छा बच्चों, तो आज हमारे पास टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि राइबोसोम को जो सबसे पहले डिस्कवर किया था, कब किया गया था? 1955 में डिस्कवर किया गया था। और किसने हमारे पास डिस्कवर किया था? हमारे पास इसको पैलेट ने डिस्कवर किया था। ओके, पैलेट डिस्कवर 1955। अच्छा, राइबोसोम जो है ना हमारे पास कहाँ पे लोकेशन है इसकी? हमारे पास ये हमारे पास या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली हो सकती हैं, ओके, फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, या हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो सकती हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उसे कहते हैं, या अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, इनके साथ भी हमारे पास राइबोसोम अटैच हो सकते हैं, या हमारे पास ये किसी अर्गेनेल के अंदर हो सकते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया के अंदर हमारे पास ये होते हैं, जैसे हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, ओके, ये किसी भी अर्गेनेल में हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि राइबोसोम जो है ना, ये हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसका कोई मेम्ब्रेन हमारे पास नहीं होता, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। केमिकली तो हम राइबोसोम को ना कहते हैं कि ये हमारे पास राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, यानी इनमें आरएनए और राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास इक्वल अमाउंट में है। कॉमनली हम क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में है राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। लेकिन अगर हम वैसे मैथमेटिकली देख लें ना, तो प्रोक्रियाटिक सेल में एंड यूक्रियाटिक सेल में इनके हम कंसंट्रेशन देख लें, कि प्रोक्रियाटिक में सेल में जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं ना वो हमारे पास 60% होता है, जबकि जो प्रोटीन होते हैं ना वो हमारे पास 40% होते हैं, और यूक्रियाटिक सेल में फिर प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास 60% होते हैं, जबकि ये हमारे पास 60% प्रोटीन होते हैं, और राइबोसोमल आरएनए फिर हमारे पास कितना होता है यूक्रियाटिक सेल में, वो हमारे पास फिर 40% होते हैं। ओके, तो अब हम जाते हैं आगे कि इनको हम राइबोसोम जो है ना, इनको हम फैक्ट्री या मशीन ऑफ द सेल भी कहते हैं। सही, राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ द सेल, मशीन ऑफ द सेल, हम इसको इंजन ऑफ द सेल भी कहा करते हैं। ओके, ये नाम हमारे पास इसके लिए यूज होते हैं। अच्छा, ये प्रोटीन सिंथेसिस के तौर पर भी हमारे पास काम करता है। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है ना वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के तौर पर हेल्प करता है। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या है? ये हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हमारे पास करता है। अच्छा, अगर हमारे पास आ जाए कि कहाँ पे राइबोसोम हमारे पास बनते हैं, राइबोसोम हमारे पास न्यूक्लियोलस में बनते हैं। ओके, न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम की फैक्ट्री कहा करते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, जबकि राइबोसोम को हम फिर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। ओके, राइबोसोम भी हमारे पास क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। सो राइबोसोम हमारे पास न्यूक्लियोलस में बनते हैं, जबकि प्रोटीन हमारे पास फिर राइबोसोम के अंदर बनते हैं। अच्छा, मेमेलियन आरबीसी में जो राइबोसोम होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम जो है ना वो ममेलियन आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन ममेलियन आरबीसी। सही, उसमें हमारे पास ये नहीं होते। अगर किसी कोई भी मिकदार पूछ रही आपके पास कि यूक्रियाटिक सेल में ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितने होते हैं, तो हाफ ए मिलियन राइबोसोम होते हैं, हाफ मिलियन राइबोसोम। सही, हाफ मिलियन ऑलमोस्ट होते हैं इन कॉमन यूक्रियाटिक सेल हमारे पास। अच्छा, हम सेडिमेंटेशन पावर यूज करते हैं ना, तो सेडिमेंटेशन यूनिट जो है ना उसका टाइम हमारे पास तकरीबन 10^-13 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, भी आप याद कर लें कि सेडिमेंटेशन यूनिट इज अ यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू कितना? 10^-13 सेकेंड। और ये किसके तौर पर यूज होता है? यूज इन एक्सप्रेसिंग सेडिमेंटेशन यूनिट। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि प्रोक्रियाट में भी राइबोसोम होता है हमारे पास, यूक्रियाट में भी राइबोसोम होते हैं, और दोनों में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक ही किस्म के लेकिन साइज उनकी डिफरेंट होती है। प्रोक्रियाट में जो हमारे पास राइबोसोम होता है ना, प्रोक्रियाट में वो हमारे पास 70S होता है,
और यूकेरियोट में जो हमारे पास राइबोसोम होता है ना, वो हमारे पास ATS राइबोसोम होता है। ये ATS किस किस के कम्बिनेशन से बना हुआ होता है? ये हमारे पास एक 60S के कम्बिनेशन से बना है और ये हमारे पास दूसरा 40S के। हमारे पास दो यूनिट होते हैं ना, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट। और 70S हमारे पास किन दो कम्बिनेशन से बना है? वो हमारे पास एक 50S के कम्बिनेशन से बना है और एक हमारे पास 30S के कम्बिनेशन से बना है। सही, तो ये इनकी यूनिट है, सब यूनिट है। अच्छा, ये दोनों जो यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ये हमारे पास किसके ज़रिए अटैच होते हैं? या तो हमारे पास ये मैग्नीशियम आयन के ज़रिए अटैच होते हैं, सही, या हमारे पास इनके दरमियान आर साल्ट बॉन्ड होता है, सही, या तो मैग्नीशियम आयन होगा या साल्ट बॉन्ड होगा। और जो ये साल्ट बॉन्ड होता है ना, ये हमारे पास किसके दरमियान होता है? ये हमारे पास बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड फॉस्फेट ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड, सही। और दूसरा फिर हमारे पास किसके साथ होता है? फॉस्फेट के साथ। सो ये बॉन्ड किन के दरमियान हमारे पास होता है? ठीक है, टू सब यूनिट है, या तो मैग्नीशियम आयन के जरिए बॉन्डेड हो गए या हमारे पास साल्ट बॉन्ड के जरिए। और ये साल्ट बॉन्ड किसके दरमियान होता है? अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड टू द फॉस्फेट ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, इनके लिए हमारे पास अगर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है ना, मैग्नीशियम इन दोनों सब यूनिट के दरमियान हमारे पास कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। और कितनी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है? 0.001 मोलर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर द बाइंडिंग ऑफ टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, सही। तो ये हमारे पास आज हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा, ये डिस्कशन राइबोसोम के बारे में थी। इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम इसके आगे जो टॉपिक होंगे वो फिर पढ़ेंगे।